टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी ने गुरुवार को केरल और कर्नाटक समेत 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पीएफआई के स्थानीय नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ठिकानों पर की गई। इस दौरान पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें पीएफआई चीफ परवेज अहमद और केरल के मंजेरी में पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम का नाम भी शामिल है। इन पर टेरर फंडिंग और आतंकी ट्रेनिंग कैंप से जुड़े होने का आरोप है। पूरे मामले में जांच एजेंसियों की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं हैदराबाद के चंद्रयान गोटा में एनआईए ने पहले से दर्ज एक मामले में तेलंगाना पीएफआई के हेड ऑफिस को सील कर दिया है। एनआईए ने ईडी, पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। उधर एनआईए की रेड के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना समेत अलग अलग जगहों पर पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनपुट मिलने के बाद ईडी, एनआईए और राज्यों के पुलिस ने बुधवार देर रात ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले एनआईए की टीम ने 18 सितंबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी।